हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव का पार्ट टू, और ये सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, और इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्टिकुलरली स्पॉटिंग एरर को सॉल्व करने में, फिलर्स को सॉल्व करने में, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के पार्ट को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि नाउन से एडजेक्टिव को किस तरीके से फॉर्म करते हैं। जैसे अफेक्शन एक वर्ड है, तो उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा अफेक्शनेट। ठीक है, अफेक्शन का मतलब प्यार, और अफेक्शनेट मतलब प्यारा। ऑस्पीस, कोई भी डिवाइन चीज़ को हम ऑस्पीस बोलते हैं। ऑस्पीसियस का मतलब होता है शुभ या मंगलकारी या बहुत ही अच्छा। बीस्ट का मतलब जानवर, बीस्टली मतलब जानवर जैसा। ब्रेथ मतलब सांस, ब्रेथलेस, एकदम से रेस्टलेस जो हो रहा है उस व्यक्ति को हम ब्रेथलेस बोलते हैं। कार्सिनोजेनिक एक सब्सटेंस होता है जिससे कैंसर होता है, तो कार्सिनोजेनिक एक ऐसी चीज़ को वो हम बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जो कैंसर को क्रिएट करता है, कैंसर को डेवलप करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान से संबंधित। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइन, ये एक वर्ड साइंस में या केमिस्ट्री में यूज़ होता है। नाइट, ये एक टाइटल है, नाइटली का मतलब होगा बहादुर या ब्रेव। निगार्ड हम बोलते हैं कंजूस व्यक्ति को, और निगार्डली हम बोलेंगे कंजूस, या एक कंजूस बिहेवियर जो होगा उसको हम निगार्डली बोलेंगे। तो आगे देखते हैं, ये है आपके वर्ब से किस तरीके से एडजेक्टिव बनेंगे। जैसे आंसर का होगा आंसरेबल, अट्रैक्ट का होगा अट्रैक्टिव, बेनिफिट का होगा बेनिफिशियल यानी लाभदायक, बॉदर मतलब परेशान करना, और बॉदरसम मतलब परेशान करने वाला। बॉदरसम कोई भी व्यक्ति या वस्तु। कैच का मतलब पकड़ना, कैची का मतलब अट्रैक्टिव होता है। कैची का मतलब कोई चीज़ जो आपका ध्यान खींचे उसको हम बोलते हैं कैची, जैसे कैची एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। डाइजेस्ट का डाइजेस्टिबल, जिसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। फैदम का मतलब होता है नापना या मेज़र करना, फैदम लेस जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते। गेन का मतलब प्राप्त करना, तो गेनफुल मतलब जो फ़ायदेमंद है। इनहैबिट का मतलब रहना, और इनहैबिटेबल जो रहने योग्य है। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं। तो उससे एडजेक्टिव से एडजेक्टिव किस तरीके से बनेगा। ब्लैक का मतलब काला, ब्लैकिश का मतलब थोड़ा काला सा। लोन का मतलब होता है सिंगल, और लोनली और लोनसम का मतलब होता है अकेला फील करना। ये काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। सेबिन और सेबिन फोल्ड, सेबिन का जो एडजेक्टिव होगा वो सेबिन फोल्ड होगा, मतलब सात तरीके से। सिक का मतलब बीमार, सिकली मतलब बीमार जैसा, जैसे सिकली फीलिंग होती है। होल का मतलब पूरा, और होलसम का मतलब होता है हेल्दी या न्यूट्रिएंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं, इनको आप, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप पहले से ही जानते होंगे। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीन डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, जिसके थ्रू हम एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं। पॉजिटिव डिग्री के थ्रू हम नाउन की क्वालिटी बताते हैं। कंपेरेटिव के थ्रू हम दो व्यक्ति या वस्तु को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव के थ्रू हम किसी ग्रुप में एक व्यक्ति को या एक वस्तु को बेस्ट बताते हैं या कंपेयर करते हैं। जैसे दिस इज ए स्मॉल टाउन, वो टाउन कैसा है, स्मॉल है, तो स्मॉल एक एडजेक्टिव हुआ, और स्मॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, अब दिस टाउन इज स्मॉलर देन आगरा, तो यहाँ पर स्मॉलर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि इस टाउन को हम कंपेयर कर रहे हैं आगरा जो टाउन है उससे। और दिस टाउन इज द स्मॉलेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यहाँ पर दा लगाते हैं, और ये कंपेरेटिव डिग्री है सेकेंड सेंटेंस, और ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। तो ग्रुप वन में ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं जिसमें हम ER और EST लगाते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। ग्रुप टू में जो बड़े वर्ड हैं, जो दो या तीन सिलेबल वाले वर्ड हैं, जैसे इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो इनके पहले हम मोर लगाते हैं। ER ना लगाते हुए हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। जैसे बिग है तो एक सिंगल वर्ड है, ठीक है, एक बार में आप बोल सकते हैं उसको बिग, लेकिन इंटेलिजेंट को आप इंटेलिजेंट चार बार में आपको बोलना पड़ेगा, या ब्यूटीफुल को आपको दो बार में, तीन बार में बोलना पड़ेगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये दो या तीन सिलेबल वाले जो वर्ड हैं इसके आगे आप मोर या मोस्ट लगाते हैं, और जो सिंगल वर्ड हैं, बिग हुआ, स्मॉल हुआ, डार्क हुआ, इसमें आप ER और EST लगा के कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर मैंने ग्रुप थ्री के ये कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे गुड या वेल
का जो कंपरेटिव डिग्री होगी वो बेटर होगी और सुपरलेटिव बेस्ट होगी, ठीक है। बैड की कंपरेटिव डिग्री वर्स होगी या वर्स्ट होगी। सुपरलेटिव डिग्री वर्सन जो है वो वर्ब है, इसमें ईडी आप लगा सकते हैं, वर्सेंट, ठीक है। लिटिल, लेस और लीस्ट। लिटिल का मतलब थोड़ा, बहुत कम, लेस का मतलब और भी कम, लीस्ट का मतलब सबसे कम, ठीक है। ए डिग्रीज यहाँ पर दी एन से पहले दा आप लगाएंगे। मच का मोर होगा और मोस्ट होगा, मैनी का भी मोर होगा और मोस्ट होगा, लेट का लेटर होगा और लेटेस्ट होगा। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेटेस्ट में क्या डिफरेंस है ये पूरा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओल्ड की जो डिग्रीज हैं वो ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट होती हैं। इसको हम पर्सन या थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्डर और एल्डेस्ट, इनको कंपेरेटिव डिग्री में हम इस्तेमाल नहीं करते, ये एक ही फैमिली के मेंबर्स के लिए इनको हम एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल करते हैं। इनको हम कंपेरेटिव डिग्री की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम नहीं कर सकते। इसके यूजेज मैं अभी बताऊंगा आपको सारे। फार मतलब दूर, फार्दर और दूर, और फार्देस्ट सबसे दूर, और फर्दर जो वर्ड है ये अलग है, इसका मतलब होता है एडिशनल या मोर या और ज़्यादा, ठीक है। आउट, आउटर, और आउट पॉजिटिव डिग्री है, आउटर कंपेरेटिव डिग्री है। अटमोस्ट या अटरमोस्ट, ये होंगी इसकी सुपरलेटिव डिग्रीज। आगे हम देखते हैं, द फॉलोइंग कंपेरेटिव्स आर यूज्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली एंड नॉट इन कंपेरिजन। ये जो वर्ड नीचे दिए हैं इनको हम कंपेरेटिव डिग्री की तरह यूज़ नहीं करेंगे, इनको केवल हम पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज़ करेंगे। जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब पहले वाले प्राइम मिनिस्टर, लेटर मतलब बाद वाला, ठीक है। ये LATER, लेटर इसको बोलेंगे, इसको लेटर नहीं बोलेंगे, ये लेटर है, इसका मतलब है बाद वाला। एल्डर मतलब बड़ा, खून के रिश्ते में जो बड़ा है उसको हम बोलेंगे एल्डर, और जो उम्र में बड़ा है उसको बोलेंगे ओल्डर। अपर ऊपर वाला, आउटर बाहर वाला, इंटीरियर अंदर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का क्या मतलब है, पोस्टीरियर का मतलब होता है आफ्टर, एंटीरियर का मतलब बिफोर, माइनर मतलब छोटा, मेजर, मेजर का मतलब होता है एक्चुअली 18 साल से बड़ा जो व्यक्ति होता है उसको मेजर बोलते हैं, माइनर 18 साल से नीचे का व्यक्ति। अल्टीरियर का क्या मतलब है, अल्टीरियर का मतलब है छुपा हुआ, जैसे अल्टीरियर मोटिव्स का मतलब होता है छुपा हुआ कोई, छुपा हुआ कोई एम या छुपा हुआ कोई काम, अल्टीरियर, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो यहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। और लेटर, लेटर इसके में इसमें डिफरेंस क्या है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम, ठीक है। ये लेटर इसको हम पढ़ेंगे, LATER को, इसको लेटेस्ट पढ़ेंगे। तो लेटर और लेटेस्ट दोनों ही टाइम के रिलेशन में यूज़ होते हैं, जबकि लेटर और लास्ट ये पोजीशन के रिलेशन में यूज़ होते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप क्लियर करें। जैसे द लेटर पार्ट ऑफ दिस नॉवल इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि नॉवल का जो जो फिजिकली जो आखिरी वाला हिस्सा है, जो सेकंड सेकंड हाफ है, वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो हम फिजिकल सेंस में यहाँ बात कर रहे हैं, और लेटर आता है टाइम के सेंस में, तो इसलिए लेटर वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें हमने लास्ट न्यूज़ बोला है, जबकि क्या होता है न्यूज़ टाइम के हिसाब से चलती है, पोजिशन के हिसाब से नहीं, तो इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ बोलना सही होगा। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, देखिए एल्डर और एल्डेस्ट ये जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, खून के जो रिश्ते होते हैं एक ही फैमिली के, उसके लिए इस्तेमाल होता है, और उसको उसको भी हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, या ही इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट को हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए। सपोज आपका फ्रेंड है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, अगर यदि वो आपसे 2 साल बड़ा है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ ओल्डर देन मी। लेकिन भाई के लिए आप नहीं बोलेंगे, भाई के लिए बोलेंगे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, कंपेयर उसको नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया है आई हैव एन एल्डर ब्रदर, ये करेक्ट सेंटेंस है। और मोहन इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द टाउन, ये करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर हम एल्डेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोहन फैमिली का मेंबर नहीं है। आगे हम देखते हैं फार का जो कंपेरेटिव डिग्री है वो फारदर है, फारदेस्ट है, ये डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, जबकि फर्दर का मतलब होता है मोर या एडिशनल, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस आप देखिए, मथुरा इज़ फार्दर फ्रॉम ग्वालियर देन आगरा, ये सेंटेंस सही है। द फॉग इज़ सो थिक आई कान सी फार्दर देन अबाउट 10 मीटर्स, मतलब मैं 10 मीटर से आगे नहीं देख सकता, ये करेक्ट सेंटेंसेस हैं। आई डू नॉट नीड एनी फर्दर असिस्टेंस, ये नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऊपर वाला जो फार्दर दिया है ये
इनकरेक्ट है। नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे पास, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, ठीक है। नियरेस्ट, देखिए नियरेस्ट डिनोट डिस्टेंस, सबसे पास होगा उसी को तो हम डिस्टेंस के सेंस में बोलेंगे, और नेक्स्ट का मतलब होता है, नेक्स्ट डिनोट करता है पोजीशन को, नियरेस्ट डिनोट करता है डिस्टेंस को। देखिए दिस इज द नेक्स्ट हॉस्पिटल टू माई हाउस, ये गलत क्यों है, क्योंकि हम सीरीज नहीं बता रहे हैं कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं, 10 हॉस्पिटल हैं, उसमें से आप नेक्स्ट हॉस्पिटल बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप बोलना चाह रहे हैं दिस इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल टू माई हाउस, ये सबसे पास है मेरे हॉस्पिटल के। नेक्स्ट आप तब इस्तेमाल करेंगे जब सीरीज़ की आप बात करेंगे, ठीक है, कि नेक्स्ट हाउस मतलब अगला हाउस, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट हाउस मतलब उससे भी अगला हाउस, तब आप यूज़ करेंगे इसको। तो नियरेस्ट डिनोट डिस्टेंस, और नेक्स्ट हम बोलते हैं पोजीशन के लिए, पोजीशन को बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लीज़ स्टैंड स्टैंड नियरेस्ट टू हिम, तो इसके लिए आप बोलेंगे प्लीज़ स्टैंड नेक्स्ट टू हिम, मतलब उसके बगल में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो सब 4-5 लोग लाइन से खड़े हैं तो हम पोजीशन दिखा रहे हैं, तो इसलिए पोजीशन को दिखाने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड का इस्तेमाल होगा। आगे हम देखते हैं द कंपेरेटिव इन ई आर इज़ नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज़ इन द सेम पर्सन और थिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। एक ही व्यक्ति की जब हम दो क्वालिटी बताएंगे तो हम जो कंपेरेटिव डिग्री है उसको उसमें ई आर ना लगाते हुए पॉजिटिव डिग्री से पहले हम मोर लगाएंगे, क्योंकि वाइजर देन यदि मैं बोलूँगा इस सेंटेंस में तो उसका मतलब होगा कि दो व्यक्ति को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइजर देन यहाँ पर गलत होगा, यदि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें ई आर ना लगाते हुए उससे पहले हम मोर लगाएंगे। राम इज़ मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, मतलब राम वाइज ज़्यादा है, इंटेलिजेंट ज़्यादा है, और स्ट्रॉन्ग कम है। तो ये सेंटेंस सही है, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। और कंपेरेटिव डिग्री और देन के बाद, ठीक है, हम एनी अदर लगाएंगे। देखिए इसको ऐसे समझिए आप, श्याम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन हिज क्लास। यदि मैं इसको बोलता हूँ कि एनी स्टूडेंट, तो एनी स्टूडेंट में तो श्याम भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि श्याम किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए मोर के बाद यहाँ पर एनी अदर का प्रयोग होगा। श्याम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें से श्याम को आपको निकालना होगा। तो ये नीचे वाला सेंटेंस यहाँ पर सही है। और फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाई टू, इन एडजेक्टिव से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, देन का नहीं। इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस दिए हैं, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, और नीचे वाला भी करेक्ट है। यहाँ पर टू लगाया है और यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस लगा, इसलिए ये करेक्ट है। यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा, लेकिन उसकी जगह दैट ऑफ का प्रयोग किया है, तो इसलिए ये नीचे वाला सेंटेंस भी आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं हम, ये जो वर्ड यहाँ पर दिए हैं इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में ये कंप्लीट होते हैं। जैसे स्क्वायर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब दो स्क्वायर हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से ज़्यादा स्क्वायर है। मोर स्क्वायर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यदि आप मोर स्क्वायर बोलेंगे तो वो स्क्वायर ही नहीं रहेगा, यदि आप लेस स्क्वायर बोलेंगे तो वो स्क्वायर ही नहीं रहेगा। तो इसलिए स्क्वायर, राउंड, यूनिक, इटरनल, ये ऐसे वर्ड हैं, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। सपोज परफेक्ट है, तो आप यदि आप मोर परफेक्ट बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि उसमें पहले ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पहले से ही वो परफेक्ट है। और यदि आप मोर परफेक्ट बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं, और जब आप कुछ और उसमें जोड़ सकते हैं तो वो चीज़ परफेक्ट हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से इनको आपको कंपेयर नहीं करना है। जैसे आर फील्ड इज़ मोर स्क्वायर, ये गलत है, मोर स्क्वायर आप नहीं बोल सकते। आर फील्ड इज स्क्वायर इन शेप, केवल ऐसे आप बोल सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक, यूनिक अपने आप में मोस्ट ही होता है, तो इसलिए मोस्ट नहीं लगा सकते, केवल यूनिक बोलेंगे। परफेक्ट से पहले मोर नहीं लगा सकते, केवल परफेक्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल अदर किंग, अदर का जो प्रयोग है हम कंपेरेटिव डिग्री में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए अदर यहाँ से हम हटाएंगे,
और इस सेंटेंस को बोलेंगे अलेक्जेंडर वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल किंग्स। ये करेक्ट सेंटेंस है। दो व्यक्ति की जब हम तुलना करेंगे तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, जैसे शार्पेस्ट का इसमें प्रयोग किया है जो कि गलत है, शार्पर का हम प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस सही है। और यहाँ पर देखिए रिपीटिशन को रोकने के लिए, वेदर ऑफ बेंगलोर इज़ बेटर देन दैट ऑफ आगरा। ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि बेंगलोर के मौसम की तुलना हम आगरा से कर रहे हैं, जबकि हमें बेंगलोर के मौसम की तुलना आगरा के मौसम से करनी है। तो इसलिए आगरा के मौसम को दिखाने के लिए आप दैट ऑफ बोल सकते हैं। दैट ऑफ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में और दोज ऑफ हम यूज़ करते हैं प्लूरल में। और यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। ये डबल कंपेरेटिव हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे डार्कर भी लगा दिया और मोर भी लगा दिया, तो ये गलत है। नीचे वाला सेंटेंस आपका सही है। आगे देखते हैं प्रेफरेबल के बाद। प्रेफरेबल से पहले हम मोर नहीं लगाएंगे और प्रेफरेबल के बाद हम देन नहीं लगाएंगे। ये दो रूल आप याद रखिए, प्रेफरेबल से पहले आप मोर नहीं लगाएंगे और उसके बाद आप देन नहीं लगाएंगे। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है ये सही है। इससे पहले यहाँ पर मोर नहीं लगाया और इससे पहले यहाँ देन नहीं लगाया, तो ये सेंटेंस सही है। लेस हम बोलते हैं क्वांटिटी के लिए, फ्यूअर हम बोलते हैं नंबर के लिए। जैसे यहाँ पर हम रन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फ्यूअर का प्रयोग करेंगे, लेस का नहीं। फर्स्ट टू जो एक्सप्रेशन है वो सही है। पहले ऑर्डिनल और कार्डिनल में से पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फर्स्ट आएगा, फिर टू आएगा, ठीक है। आई सॉ ओनली द फर्स्ट टू चैप्टर, ये सही है, ठीक है। टू फर्स्ट हम नहीं बोलेंगे, फर्स्ट टू हम बोलेंगे। टू फर्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रेयरली ही होता है। टू फर्स्ट हम जब बोलेंगे जब एक ही क्लास में या एक ही सिचुएशन में दो व्यक्ति हैं और दोनों के बराबर बराबर मार्क्स आ गए हैं, तो उस सिचुएशन में हम टू फर्स्ट बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो सही एक्सप्रेशन है वो द फर्स्ट टू ही है। ग्रेजुअल इंक्रीज के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे तापमान बढ़ता गया तो इट ग्रू हॉटर एंड हॉटर, क्योंकि पहले वो 10 डिग्री होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अगर हॉट एंड हॉट हम बोलते हैं, इट ग्रू हॉट एंड हॉट, तो इसका मतलब तो ये होगा कि टेम्परेचर एक ही जगह पर स्टेबल रहा, लेकिन यदि वो बढ़ता जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इट ग्रू हॉटर एंड हॉटर। और व्हेन टू एडजेक्टिव्स इन डिफरेंट डिग्रीज आर यूज्ड, ईच शुड बी कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे यहाँ पर आप बोलते हैं एज गुड एज, यहाँ पर आपने बेटर के बाद देन लगाया है तो ये कंप्लीट है और सही है, लेकिन एज गुड यहाँ पर इनकम्प्लीट है। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा एज गुड एज, ये पूरा बोलना पड़ेगा आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल। ये फिक्स एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे एट प्रेजेंट की जगह आप इन प्रेजेंट नहीं बोल सकते। एट प्रेजेंट का मतलब है नाउ, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। बिफोर लॉन्ग का मतलब है सून, इन फ्यूचर का मतलब है फ्रॉम नाउ ऑन। तो इस तरीके से इसको आपको यूज़ करना है और इनमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। यहाँ पर दिया है एट बेस्ट इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है कि लिखित में कोई चीज़ आपको चाहिए, इन ब्लैक एंड वाइट। फ्रॉम बैड टू वर्स, ठीक है, मतलब बेकार से और बेकार होते जाना। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है सभी समय पर साथ निभाना किसी व्यक्ति का, थ्रू थिक एंड थिन। द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब है ब्रीफ, और फॉर बेटर और फॉर वर्स इसका मतलब है वेदर यू लाइक इट और नॉट। ये हैं एडजेक्टिव की करेक्ट फॉर्म। इनके ऊपर काफ़ी सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे सिल्क का सिल्कन होगा, इल गॉटन क्या होता है, इल गॉटन का मतलब होता है खराब तरीके से, खराब तरीके से किसी काम को किया गया। जैसे इल गॉटन मनी मतलब गलत तरीके से उस पैसे को कमाया गया। प्रूवन मतलब जो प्रूव हो चुका है। क्रिएटिव, पनिशेबल ये एक सही वर्ड है। वेस्टर्न, ये सारे एडजेक्टिव हैं और ये करेक्ट फॉर्म है एडजेक्टिव की। इनकी जगह आप दूसरा फॉर्म लगाएंगे तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जैसे सिल्कन ड्रेस, इल गॉटन मनी, प्रूवन फैक्ट, क्रिएटिव आर्ट, स्पोकन इंग्लिश, सदर्न हेमिस्फियर, इसकी जगह अगर अगर आप साउथ हेमिस्फियर बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। टायर्ड मैन की जगह टायर मैन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट, ये एडजेक्टिव फॉर्म है सारी। यहाँ हम देखते हैं ये कुछ करेक्ट सेंटेंस दिए हैं मैंने कि एडजेक्टिव का किस तरीके से हम प्लेसमेंट करते हैं।
जैसे ये दिया हुआ है, शी लुक्ड फॉर ए बॉयफ्रेंड इंटेलिजेंट डिसेंट एंड रिच। तो ये बॉयफ्रेंड जो यहाँ पर दिया है ये एक नाउन है, और इस नाउन को बताने के लिए कई सारे एडजेक्टिव का हमने यूज़ किया है। तो ये जो प्लेसमेंट है ये सही है, ये गलत नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया है कि इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। द टीचर ऑगस्ट इन हिज अपियरेंस कमांडेड एवरीवन्स रिस्पेक्ट। ये सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पर हमने टीचर को डिफाइन किया है इस फ्रेज के द्वारा, तो ये सही है। ऑगस्ट का मतलब होता है मैजेस्टिक या शानदार, तो ये सेंटेंस भी सही है। इस तरीके से भी आप इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। इन वर्ड्स में जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आएगा हमेशा। गॉड ऑलमाइटी बोलेंगे हम, ऑलमाइटी गॉड नहीं बोलेंगे। एयर अपेरेंट उत्तराधिकारी को बोलते हैं। नाइट्स टेम्पोरल, ये सारे टाइटल्स हैं। लॉर्ड पैरामाउंट, ये एक टाइटल है लॉर्ड पैरामाउंट, ये इसके बारे में आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं नेट पर। टाइम इमेमोरियल मतलब अनंत काल से। प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है। नोटरी पब्लिक, ये एक पोस्ट होती है, ये एक ऑफिशियल होता है जो नोटरी वगैरह करता है, ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है उनको करता है। तो ये सारे आप इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए, लिटिल इज़ नॉट यूज्ड विथ क्वांटिटी एंड नंबर, इंस्टेड स्मॉल इज करेक्टली यूज। ठीक है, क्वांटिटी और नंबर के साथ, क्वांटिटी और नंबर जो वर्ड हैं उनके साथ हम लिटिल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, उनके साथ हम स्मॉल वर्ड का यूज़ करेंगे। ये करेक्ट यूज़ है दा का और ऑफ का। बेटर से पहले यहाँ पर दा लगाएंगे हम, जब हम दो व्यक्ति या वस्तु को कंपेयर करेंगे, और बेस्ट के बाद भी ऑफ आता है। बेस्ट से पहले दा और बेस्ट के बाद ऑफ, बेस्ट ऑफ ऑल जैसे हम बोलते हैं। तो ये करेक्ट सेंटेंसेस हैं। और यूज़ ओनली पॉजिटिव डिग्री इन एज और सो एज और एज के बीच में, और सो और एज के बीच में, इसमें हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ही इज़ एज बेटर एज हिज ब्रदर, ये गलत क्यों है, क्योंकि बेटर की जगह गुड का प्रयोग होगा। और सो एज हम लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस में, ये निगेटिव है तो यहाँ पर हमने सो एज लगाया है, और ये सेंटेंस आपका सही है। ही रैन एज फास्ट एज ही कैन, इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि वो पास्ट में दौड़ा, वह उतनी तेज़ दौड़ा जितना तेज़ वो दौड़ सकता था। तो चूंकि रैन पास्ट में है इसलिए कैन की जगह यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। कुछ देखिए, एक ही व्यक्ति के बारे में हम दो एडजेक्टिव का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो दोनों सेम फॉर्म में होंगे। जैसे गांधी के बारे में हम प्रयोग करें तो यहाँ पर एक नोबलेस्ट है मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और एक वाइजर है यानी कंपेरेटिव डिग्री, तो दोनों ही हम सुपरलेटिव डिग्री में लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये नीचे वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। कुछ ग्रुप्स होते हैं, और जैसे यदि मैं बोलूँ कि रिच, यदि मैं बोलूँ द रिच तो उसका मतलब होगा द रिच पीपुल, यदि मैं बोलूँ द पुअर तो उसका मतलब होगा गरीब लोग। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में ये प्लूरल नाउन होती है, और इसमें हम कभी भी इसमें एस नहीं लगाएंगे। द पुअर्स मैं नहीं बोलूँगा, द रिचेज मैं नहीं बोलूँगा, तो इसमें कभी भी एस नहीं लगेगा। इसको आप देख लीजिए, ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। द रिच का मतलब है रिच लोगों का ग्रुप या अमीर लोग, तो ये प्लूरल है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा। इसलिए ये रिच चूंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा, और ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखिए, द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट्स पुअर में भी एस नहीं लगेगा, इसमें ये एस लगाया, ये गलत है। तो नीचे वाला सेंटेंस आपका सही है, द रिच के साथ एक्सप्लॉइट आएगा और पुअर में एस नहीं लगेगा, और उसके साथ दा का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और इसमें मैंने ऑप्शंस दिए हैं, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर, मतलब डॉक्टर ने उसको कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। तो यदि हम फ्यू बोलेंगे तो इसका मतलब होगा ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है ये, तो इसलिए यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा आ फ्यू, क्योंकि ये काउंटेबल भी है और इसका मतलब है कुछ दिन। फ्यू बोलेंगे तो इसका मतलब होगा ना के बराबर दिन। वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम, मतलब जितना पानी मैंने आपके लिए रखा था वो पूरा का पूरा उसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। तो पानी थोड़ा था लेकिन पूरा का पूरा उसके द्वारा फिनिश कर दिया गया है, तो इसलिए इसमें हम चूंकि ये नॉन काउंटेबल है तो इसमें हम लगाएंगे द लिटिल, ए लिटिल नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लेकिन पूरा का पूरा, तो उस सेंस को बताने के लिए हमेशा हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं। द शो वॉज कैंसल्ड एज पीपल टर्न अप टू सी इट,
शो कब कैंसिल होता है? जब उसमें ना के बराबर लोग आते हैं, तो ना के बराबर लोग को दिखाने के लिए हम लगाएंगे फ्यू, ए फ्यू नहीं लगाएंगे। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू देयर इन मिल्क, मैं चाय नहीं बना सकता क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ना के बराबर दूध है। तो ना के बराबर को दिखाने के लिए आप बोलेंगे लिटिल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है इसलिए। हार्डर यू वर्क द बेटर यू परफॉर्म, जितनी कड़ी मेहनत आप करते हैं उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहती है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम हमेशा लगाते हैं द, तो यहाँ पर आएगा आपका द। अब आ जाइए नेक्स्ट, गोल्ड इज मोर प्रेसियस देन एनी अदर मेटल, क्योंकि यदि आप एनी बोलेंगे तो उसमें गोल्ड भी शामिल हो जाएगा। गोल्ड इज मोर प्रेसियस देन एनी अदर मेटल। और यहां पर देखिए डायमंड इज मोर प्रेशियस देन, यहां पर आप क्या लगाएंगे? यहां पर आप लगाएंगे एनी, क्योंकि डायमंड जो है वो मेटल नहीं है, गोल्ड मेटल है, डायमंड मेटल नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस में एनी आपका सही होगा। ही इज मोर वाइज हम लगाएंगे, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर मोर वाइज हम लगाएंगे। यहां पर कुछ सेंटेंसेस हम और देखेंगे, ये जो वर्ड्स ऊपर दिए हैं यहाँ पर सीम लुक बिकम, इनके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे, एडवर्ब नहीं लगाएंगे। और ये जो सेकंड लाइन जो दी है इनके बाद भी हम एडजेक्टिव लगाएंगे, एडवर्ब हम नहीं लगाएंगे। इन सेंटेंसेस को आप पढ़ सकते हैं। और नाउन का प्रयोग जब हम एडजेक्टिव की तरह करेंगे तो उसको हम प्लूरल में नहीं लिखेंगे। जैसे आई सर्जरी को, आई सर्जरी में सर्जरी नाउन है, लेकिन किसकी वो सर्जरी है? वो आँखों की सर्जरी है। तो आई का प्रयोग जो कि एक नाउन है उसको हम एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, और उसका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर में करेंगे। नीचे वाला सेंटेंस आपका जो है वो सही है। अपोजिट ऑफ लेटर इज, लेटर का अपोजिट क्या है? फॉर्मर है अपोजिट, और लेटर का अपोजिट अर्लियर है। ठीक है, लेस मीन्स लोअर इन नंबर, लेसर मीन्स लोअर इन इंपॉर्टेंस। लेसर वर्ड का हम यूज करते हैं जिसका मतलब होता है कि इंपॉर्टेंस में कोई चीज कम है। देयर आर मैनी लेसर गॉड्स इन द हिंदू रिलीजन, कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं जिनकी मान्यता कम है, कुछ मेन देवी देवता हैं और कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनकी मान्यता कम है। काफी ये थोड़ा सा लंबा है वीडियो, इसको आप ध्यान से देखें पूरे को। ऑल माय एंड बोथ माय आर करेक्ट एक्सप्रेशंस, ये भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमेशा आपको लिखना चाहिए ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय ब्रदर्स, ऑल माय सिस्टर्स, माय ऑल नहीं, ये गलत है। ठीक है, टाइम्स के सेंस में जब आप टाइम्स यूज करते हैं तो उस सेंस में आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। माय हाउस इज फोर टाइम्स एज बिग एज योर्स, ठीक है, बिगर नहीं लगाएंगे यहां पर हम। कई सारे एडजेक्टिव यदि यूज हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में तो उनका जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा, पहले क्वालिटी या ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर एज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर मटेरियल आएगा, फिर पर्पस आएगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है ओसास कॉम्प, ओसास कॉम्प आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए द थीफ फ्लैश्ड अ बिग रेड नाइफ, ठीक है, तो बिग क्या है? साइज है, साइज पहले आएगा, उसके बाद फिर कलर आएगा। ठीक है, पहले साइज आएगा फिर कलर आएगा, तो ये सही है, बिग और रेड ये सही है। और यहाँ पर आप देखिए ब्लैक मतलब पहले कलर आ गया, ब्लैक कलर के बाद क्या लिखा है? जर्मन, मतलब ओरिजिन है जो जो कि सही है, और उसके बाद आ गया आपका लेदर यानी मटेरियल, कलर ओरिजिन मटेरियल, तो ये सेंटेंस आपका सही है। यहाँ पर देखें आप शी बॉट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक क्वालिटी हुई, उसके बाद साइज आ गया, उसके बाद आपका शेप आ गया, उसके बाद आपका कलर आ गया, उसके बाद आपका पर्पस आ गया, और उसके बाद आपका नाउन आ गया, तो ये सेंटेंस भी इस तरीके से करेक्ट है। यहां पर देखिए व्हेन एन एडजेक्टिव रिक्वायर टू डिफरेंट प्रपोजिशंस बोथ शुड बी यूज्ड, यदि दो प्रपोजिशंस की जरूरत है तो दोनों आपको लगाने होंगे। जैसे यहां पर सीनियर है तो यहां पर आप टू लगाएंगे, और यहाँ पर मोर के बाद आप देन लगाएंगे, तो यहाँ पर सीनियर के बाद टू यहाँ पर मिसिंग है, तो ही सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन, तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से सही हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ गलत सेंटेंसेस पढ़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। अनुराग इज एक्लिप्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर,
देखिए दो हमने डिग्री दी है यहाँ पर, एक में हमने कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी हमें कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा मोर अम्यूजिंग, क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से सही हो जाएगा। अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अ फ्यू जो होता है वो काउंटेबल होता है, काउंटेबल के बाद हम जो जो नाउन लगाएंगे वो प्लूरल में लगाएंगे। तो यहाँ पर वर्ड की जगह आपको वर्ड्स बोलना पड़ेगा, एस लगाना होगा। ये सेंटेंस इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। ही फील्स दैट हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। यहाँ पर एज मच एज लगाना होगा आपको। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच एज और इवन मोर देन दे। तो यहाँ पर एज मच एच आप लगाएंगे, पूरा इसको आप बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। होर्डेड शुगर तो सही है, होर्डेड शुगर मतलब ऐसी शुगर जिसको जमा किया गया है, तो ये एडजेक्टिव का फॉर्म यहाँ पर सही है। लेकिन लार्ज नंबर हम शुगर के साथ नहीं बोलेंगे, शुगर के साथ हम बोलेंगे लार्ज अमाउंट। इस तरीके से सही हो जाएगा आपका। कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रॉसरी स्टोर टू बाय बिस्किट्स। देखिए ये ग्रॉसरी जो स्टोर था वो कहाँ पर था, पास में था, पास वाला ग्रॉसरी स्टोर पर वो गया कृष्णा। तो नियरिंग जो एडजेक्टिव है ये गलत है, नियर बाय इसको बोलना पड़ेगा, नियर बाय ग्रॉसरी स्टोर, ये गलत है नियर नियरिंग। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो, यहाँ पर भी मोस्ट आपको लगाना पड़ेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट यहाँ पर आपको बोला है तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा मोस्ट टैलेंटेड, ये गलत है, वेरी नहीं आएगा यहाँ पर। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक आ पनिश्ड ऑफेंस। पनिश्ड ऑफेंस की जगह आपको बोलना पड़ेगा पनिशेबल ऑफेंस। एल्म्स आर गिविन टू द पुअर्स, पुअर्स में एस नहीं आएगा यहाँ पर, द पुअर बोलेंगे तो उसका मतलब होगा गरीब लोग। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, यहाँ पर हम नंबर की बात कर रहे हैं, संख्या की, तो हैज़ यहाँ पर सही है, लेकिन 50% एक एक अमाउंट है, एक सिंगुलर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पर आप एज मैनी नहीं लगाएंगे, एज मच लगाएंगे, 50%। ठीक है, तो 50% काउंटेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आप मैनी की जगह इसमें मच आप लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 लैक्स ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। तो यहाँ पर जब डेफिनेट न्यूमेरिकल आर्टिकल होता है तो उसके साथ आप ऑफ नहीं लगाएंगे, आप लैक्स ऑफ पीपल तो बोल सकते हैं लेकिन 2 लैक ऑफ पीपल नहीं बोलेंगे, 2 लैक पीपल बोलेंगे केवल। ठीक है, तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस में आप इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मुझे फीडबैक दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकें। कोई भी गलती आपको लगी हो रिटिन में या स्पोकन में या बोलते समय, तो ज़रूर उसको इंडिकेट करिए, ज़रूर पॉइंट आउट करिए और मुझे बताइए कहाँ पर आपको गलती लगी, कोई वर्ड में, कोई सेंटेंस में, बोलते समय, स्पेलिंग में, कोई भी गलती आपको लगे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, और इसको मुझे ज़रूर आप बताइए, इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा फ़ोन के थ्रू या मेल के थ्रू। डेफिनेटली आप बताएं इसको और डेफिनेटली मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। और ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप फेसबुक पर, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।